बेटा आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब हम किसी भी एक रेक्टेंगुलर लूप में, ये मान लिया मैंने, और किसी रेक्टेंगुलर लूप को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे रखा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो टॉर्क लगने की वजह से जो रेक्टेंगुलर लूप आपका रखा हुआ है यहाँ पे, जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें एक टॉर्क लगना शुरू कर देता है। यानी कि जिसकी वजह से ये जो लूप है ये इसमें क्या करना शुरू कर देगा बेटा, आपका रोटेट करना शुरू कर देगा। क्लियर बात, यही चीज हमें देखनी है कि वो टॉर्क कितना होगा जो इसको रोटेट करा सकता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये एक मैग्नेट है, क्योंकि हमें मैग्नेट फील्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैग्नेट में ये नॉर्थ वो साउथ हो गया, तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसे मूव करेगा बेटा, कुछ इस टाइप से, नॉर्थ से साउथ की तरफ को चलता है। इसके अंदर मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप जो आपको दिखाई दे रहा होगा PQRS, ठीक है, ये इसमें प्लेस करा दिया। ये थोड़ा सा मैंने तिरछा बनाया है जिससे आपको ये लगे कि थोड़ा रोटेट कर रहा है। क्लियर बात, जो रोटेशन एक्सिस है वो क्या है बेटा आपकी, वो ये एक्सिस है। ठीक है, ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा। और इसमें बेटा ये करंट आई आपका फ्लो कर रहा है। उसके बाद में मैंने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, और जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी है बेटा आपका, मान लिया बी है। क्लियर बात, तो हमें देखना है कि जो टॉर्क लगेगा इसके ऊपर वो कितना होगा। क्लियर बेटा बात, जब ये इसमें रोटेट करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि टॉर्क लगने का जो नियम होता है, टॉर्क लगता कहां पे, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। मैंने कहा था कि जब नेट फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाता है तो टॉर्क अप्लाई होता है। तो हमें यही चीज देखनी है बेटा यहाँ पे कि जो फोर्स लग रहे हैं आपके वो किस तरीके से आपके लगेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले, ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो आप अगर यहां पे, यानी कि जो पीक्यू आपकी आर्म है, अगर इसके अंदर आप फोर्स की डायरेक्शन पता करें तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे बेटा, फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड रूल जो हमारा होता है। और अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड में होगी और ये जो उंगली है ये करंट की डायरेक्शन में, तो करंट किधर को लग रहा है बेटा आपको, ऊपर की तरफ को। क्लियर बात, इस तरीके से चलो, या फिर करंट का डायरेक्शन आप अपोजिट कर लीजिए, ऐसे इस टाइप से आप इसमें करंट का डायरेक्शन, मान लिया करंट इस तरीके से बेटा आपका घूम रहा है ऐसे, ठीक है। इससे जो फोर्स की डायरेक्शन मैंने लगाई है ये बाहर को इंडिकेट करेगा, ये अंदर को इंडिकेट करेगा। क्लियर बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ खाली फोर्स का जो डायरेक्शन है वो आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर बेटा, तो यहां पे ये मैंने नीचे की तरफ को करंट ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे इस वजह से किया जिससे आपको अंगूठा दिखाई दे जाए, ठीक है, ये इस तरीके से। तो जो फोर्स लगेगा वो किधर को लगेगा बेटा आपका, अपवर्ड, बाहर की तरफ को। क्लियर बात, ये मैंने इसको F1 दे दिया। क्लियर बात, डायरेक्शन इसी तरीके से अगर आप RS पे देखें, तो RS पे अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, लेकिन करंट अब की बार किधर हो गया बेटा, ऊपर की तरफ को। तो अंगूठा किधर शो हो रहा है, अंदर की तरफ को, यानी कि इस लूप पर इस वाली साइड में फोर्स किधर को लगेगा, अंदर की तरफ को, मैंने इसको बोल दिया F2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर PS और QR पे भी लगेगा फोर्स, तो बिल्कुल लगेगा बेटा, लेकिन इन दोनों फोर्सों की जो ये आपके PQ और QR पे, ये सॉरी PS और QR के ऊपर लगेंगे, ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि इनका जो ये एक्सिस होता है वो बेटा बिल्कुल सिमिलर होता है, यानी कि वो डाउनवर्ड लगेगा तो ये किधर को लगेगा, ये अपवर्ड लगेगा। क्लियर बात, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि टॉर्क के लिए इन फोर्सों का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा, फोर्स के लिए खाली F1 और F2 आपके जो फोर्स हैं, सॉरी टॉर्क के लिए, वो आपके यहाँ पे काम करेंगे। क्लियर बात, तो हमें टॉर्क तो अभी देखिए हमें पता ही है भाई टॉर्क कितना होता है बेटा, टॉर्क होता है इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स, चलो मैं F1 मान लेता हूं, और इनटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो आपको टॉर्क देता है। क्लियर बात, तो सबसे पहले यानी कि हमें इस F1 का वैल्यू देखना पड़ेगा। अब F1 किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में आपने क्या पढ़ा है बेटा, हमने पढ़ा है IBL sin θ। क्लियर बात, अगर आप यहां पे थीटा की बात करें तो थीटा आपको याद होगा किस किस के बीच का होता है बेटा आपका, ये होता है आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो करंट जब ऐसे मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री होते ही F1 का वैल्यू कितना होगा आपका, IBL। और यही सिमिलरली, क्योंकि सारी चीजें सिमिलर हैं बिल्कुल, यही किसके बराबर होगा बेटा आपका, मैग्नीट्यूड और F2, यानी कि दोनों जो फोर्सेज है आपस में बराबर हो गए।
और अगर दोनों फोर्सेज आपस में बराबर हो गए, दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप देख सकते हैं कि नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा बेटा आपका जीरो। और जैसे ही नेट फोर्स आपका जीरो होगा इन मैग्नीट्यूड, तो आप देखेंगे कि टॉर्क जो है आपका ये अप्लाई होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यानी कि अब हमें F1 तो मिल गया, हमें दिक्कत किस चीज की बेटा, आपकी दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उनको बेटा मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर लेता हूं, देखिए मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। हमारे हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद में ये एक तरीके से अगर आप देखें तो ये क्यू आर है, ये थोड़ा तिरछा होगा ऐसे, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैंने माना ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है एक तरीके से ऐसे अगर आप देखें, ठीक है। तो अगर इस पी क्यू आर एस जो ये लूप है, अगर इसके एरिया वेक्टर की आप बात करेंगे तो एरिया कैसा होगा बेटा आपका, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्लियर बेटा बात। तो ये थोड़ा सा जब तिरछा है तो जो सरफेस का जो डायरेक्शन होगी एरिया की, वो भी थोड़ा सा कैसी होगी बेटा आपकी, तिरछी। तो मैंने उसको इससे रिप्रेजेंट किया, देख सकते हैं आप, ये जो एन कैप मैंने माना है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है आपका, जो आपकी एरिया की डायरेक्शन है, क्लियर बेटा बात। तो मैंने मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड और जो ये आपके एरिया की डायरेक्शन है उसके साथ कितना एंगल बनाता है बेटा, मान लिया ये थीटा एंगल बनाता है, ये थीटा अलग है, ये थीटा अलग है, ध्यान रखना, इसको आप थीटा डैश कह सकते हैं कुछ भी, ठीक है। उसके बाद में तो अगर आप लोग यहां पे चीज देखें तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो F1 आपका Q पॉइंट पे लग रहा है तो ये F1 लग गया यहाँ पे, F2 आपका बेटा R पॉइंट पे लग रहा है तो ये आपका F2 लग गया, ठीक है। ये जो है आपकी ये साइड, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये कितनी आपके हिसाब से A, ये तो नहीं मानी मैंने, बी मान रखी है, तो बेटा मैं इसको बी लिख लेता हूं, ठीक है। तो अगर आप इसमें एक चीज देखें यहां पे कि जब ये रोटेट करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा बेटा F1 और F2 के बीच का, ये वाली डिस्टेंस, यानी कि अगर ये हमारे हिसाब से ए हो, ये बी हो, और ये क्या हो बेटा आपका सी, तो ए बी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि अगर ये ए बी हमें मिल जाए तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी हमारी। तो ए बी हमें कैसे मिलेगा बेटा, ये थीटा है, क्लियर बात, ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये फिर से 90 है, और जब आप इसको देखेंगे तो ये तो फिर से थीटा हो जाएगा, क्लियर बेटा बात। तो यानी कि यहां से ये भी एंगल कितना होता है आपका, ये भी थीटा ही होता है, अगर ये थीटा है तो, क्लियर बेटा बात। यानी कि अगर आपको ए बी चाहिए तो आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं बेटा, हम यूज कर सकते हैं इसमें साइन थीटा, जो कि बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना है बेटा आपका हिसाब से बी, जो इसकी एक तरीके से ब्रेथ है, ठीक है। तो यहां से ए बी की अगर मैं बात करता हूं तो ए बी मेरा कितना आएगा बेटा आपका बी साइन थीटा, आ गया। इसको उठा के यहां पे पुट कीजिए, तो जैसे आप यहां पे पुट करेंगे इसको, तो फोर्स कितना हुआ आई बी एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ बेटा आपका बी साइन थीटा। तो आप देखेंगे कि एल इंटू बी किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया को, यानी के आई बी ए साइन थीटा में इसको कह सकता हूं, क्लियर बेटा बात। तो थीटा आपको ध्यान रखना है किस किस के बीच का बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका एरिया है उसकी डायरेक्शन के बीच का, क्लियर बेटा बात। ये आपका हो जाएगा टो। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन हो कोयल के अंदर तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा आपका एन आई बी ए साइन थीटा। आप जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स के टाइम पे